तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस से आ चुके हैं एक न्यू वीडियो में, और इस टाइम यहाँ पर वेपन ग्लोरी टाइटल देखो तो भाई मैं ग्रोजा पे टॉप वन कर चुका हूँ। आप लोग यहाँ पर एक चीज नोटिस करना कि भाई मैं छत्तीसगढ़ में वेपन टाइटल लगा लिया हूँ, मतलब समझ रहे हो यार कि छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ में वेपन ग्लोरी टाइटल बोला जाए तो भाई यह मेरे लिए एक रियर रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि यार मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ और छत्तीस वेपन ग्लोरी टाइटल। मतलब यार बोला जाए तो कभी कभी हो जाता है ऐसा कि सेम नंबर फंस जाता है। आप लोग को भी साथ होता होगा कि कहीं पे आपका जैसे रैंक हो गया, कुछ भी होगा, तो उसमें सेम नंबर हो जाता है, मतलब एक एक हो गया, फिर दो दो हो गया। मेरे साथ तो भाई बहुत बार हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि भाई मेरे साथ हुआ है ऐसा। लेकिन यार हम सेम नंबर की बात कर रहे तो एक और रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ भाई, वो गलती से मेरे से रिकॉर्ड हो गया था और भाई वो रैंक स्कोर पे हुआ था। तो चलो यहाँ पर मैं उस क्लिप को लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि ये सीजन 32 की बात है और मैं उस सीजन पे ग्रैंड मास्टर 1 में था और जो मेरा स्कोर था वो देखो भाई की 11111, मतलब की भाई 5-1। यहाँ पर आप लोग एक और चीज नोटिस करना कि भाई जो मेरा बेचेस था बीए पास का वो भाई 111, मतलब यार रियर आइटम। यहाँ पर मैं बोलूँ तो मेरा रैंक भी 1, ग्रैंड मास्टर भी 1 और भाई मेरा बेचेस भी 1। तो यार मेरे को कमेंट जरूर करना कि आप लोग के साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ। चलो यार यहाँ पर मैं आपको अपना स्कोर दिखाता हूँ जो अभी के टाइम पे मेरा रैंक है, और इसको देखने के बाद आप लोग यही बोलो कि भाई ये भी सेम नंबर। अब यहाँ पर मेरा स्कोर देखो तो भाई 12012, मतलब यार बोले तो आज मेरे साथ सेम सेम हो रहा है, कहीं भाई ऐसे में गलती से मेरा हमशक्ल ना आ जाए और बोलेगा भाई चल निकल यहाँ से। तो यार यहाँ पर हम मजाक को साइड में रखते हैं और मेरा रीजन पे स्कोर देख सकते हो, 34 नंबर पे अभी मैं रीजन पे चल रहा हूँ। और यहाँ पर मेरा प्रोफाइल देखो तो भाई मैं अभी के टाइम पे ओनली सोलो खेल रहा हूँ और यहाँ पर भी सेम नंबर, मतलब यार 444 से। मेरे को यहाँ पर एक बात याद आया कि भाई कौन कौन बंदे जो अपना नाम व्हाइट 444 रखे हैं गेम पे, भाई लोग कमेंट जरूर करना, जरा मैं भी तो देखूं यार कौन कौन ऐसे महान पुरुष है जो अपना नाम व्हाइट 444 रखे हैं। तो चलो आप लोग को अब ज्यादा बोर नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड दिखाऊं तो देख सकते हो मैं एलिमिनेट के मामले में अभी 5वें नंबर पे चल रहा हूँ। और भाई यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा कि बहुत जल्द मैं टॉप 1 करूँ किल में, बाकी सब तो आगे देखा जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पर देखो कि मैं विनिंग रीजन पे देख सकते हो कि टॉप 1 पे हूँ अभी के टाइम पे। और भाई मैं सच बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ ज्यादा ही बोर हो जा रहे होंगे, तो अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो चलो यार अब सीधा चलते हैं हम गेम प्ले की ओर और आप लोग को दिखाता हूँ कि मैं किस प्रकार से रैंक पुश करता हूँ और कैसे बुया निकालता हूँ। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर टोका सुपर। चलो यार यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रैंक हमें लग चुका है, और इस वाले गेम की बात करें तो मतलब लोबी की तो उतना हार्ड लोबी इसको नहीं बोल सकते, लेकिन देखा जाए तो भाई हार्ड लोबी ही बोल सकता हूँ, क्योंकि यार ये बंदे ऐसे होते हैं कि आपका सीधा खोपड़ा ही खोलते हैं। मतलब बोलूँ तो लोबी को देख के मत समझो कि भाई नुबड़ा लोबी हार्ड लोबी है, भाई वही बंदे खतरनाक होते हैं जो नुबड़े के भेस में रहते हैं। और अभी के टाइम पे आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बंदे अपने सेकंड आईडी मतलब गेस्ट आईडी से खेलते हैं। और यार देखो कि अभी के टाइम पे रैंक सीजन आया है तो बंदे हीरोइक डायमंड पल्टीना में सब में रहते हैं, तो भाई वो मतलब अपना रैंक नहीं देखते, वो भाई सीधा चढ़ के ही मारते हैं। और यहाँ पर एक बात है कि आपका स्कोर हाई है तो भाई आप संभल के ही खेलोगे, मतलब रस तो करोगे नहीं, एकदम अपना रैंक बचाओगे, क्योंकि यार देखो माइनस होता है तो बहुत खतरनाक माइनस लगता है और प्लस तो भाई 29-30 का ही प्लस लगता है। अब यार देखो मैं रिसप्लाई में लूटता हूँ तो एक बंदा मेरे सामने लैंड किया था, लेकिन भाई इसको पता नहीं था कि मेरे पास गन भी हो सकता है, तो इसको यहाँ पर देखो मैं हेडशॉट मार दिया और इसका सोनी एक्टिवेट। चलो ये बंदा तो मर जाना चाहिए और यहाँ पर चलो मर गया। अब यार ये बंदा मेरे खुले में देख के मतलब मेरे को मारने के लिए आ रहा था, शायद इसको लग रहा था कि इसका नेट स्लो है तो यहाँ पर लैंड कर रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया था कि यहाँ पर 2 से 3 बंदे आए थे, तो यहीं पे बंदे आजू बाजू हो सकते हैं, मेरे को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर सामने एक बंदा मेरे को दिखाई दिया, अब इसको तो मैं सीधा रस करके नहीं मार सकता, क्योंकि यार रस करूंगा तो क्या पता बंदा मेरे को हेड मार दे, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत ही खतरनाक बंदे होते हैं, एकदम सीधा हेड मारते हैं। यार आपको लगे सामने वाला प्लेयर नूब है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, एकदम हेड मारते हैं बंदे। चलो फाइनली मैंने इस वाले बंदे को तो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया, और शायद मेरे को लग रहा है एक बंदा तो और यहाँ पर, या हो सकता है कि मैं जिसको फर्स्ट मारा था वो अभी यहाँ पर लैंड किया होगा, तो ऐसे मेरे को चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो आपने देखा होगा कि अधिकतर बंदे भाई पीछे से ही मारते हैं। लेकिन चलो यार यहाँ पर हम थोड़ा मोड़ा लूट कर लेते हैं, नहीं तो भाई बंदा अचानक आएगा लूट नहीं है तो आराम से मार देगा। भाई बंदा क्या यार, चलो यहाँ पर तो मैंने इसका सोनी एक्टिवेट कर दिया और बंदे को तो मर जाना चाहिए, तो चलो फाइनली यहाँ पर बंदा मर चुका है और मेरा किल भी हो चुका है। इस बंदे को यहाँ पर मारते मारते मेरे को एक बात याद आ गया कि कई सारे भाई लोग जो स्क्वाड में खेलते हो मेरे को बोलते हैं यार कि सोलो नुबड़ो वाला गेम प्ले होता है, एकदम बोट लो भी आता है और भाई एकदम ईजी, चैलेंज वैलेंज कुछ नहीं होता उसमें, आराम से बुया निकाल देते हैं। और मेरे को यह भी बोलते हैं यार कि स्क्वाड खेल के देखो कितना हार्ड लोबी, कितना चैलेंजिंग, और बुया तो मिलता ही नहीं है। वो यार मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग भाई उल्लू के पट्टे हो, मैंने भी बहुत स्क्वाड खेला और भाई बहुत सारा बुया भी किया अकेले। और देखो रही सोलो की बात तो भाई सोलो सोलो होता है, स्क्वाड स्क्वाड होता है।
अब यहाँ पर आप लोग एग्जांपल देख रहे हो कि मैंने सामने वाले बंदे को मार दिया और इसको यहाँ पर देखो फिनिश कर दिया। अब भाई ये बंदा कहाँ से रिवाइव होगा, बोलो 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 भाई, ये तो लोबी का टिकट पकड़ के निकल गया पहली फुर्सत में। और देखो अभी अगर स्क्वाड ये बंदा खेल रहा था तो भाई इसको आराम से इसके टीममेट रिवाइव कर देते। और ये बंदा जैसे रिवाइव होता गरीना से भाई वेम्पी उधार लेता और किसी बंदे के टकले में उतरता और उस बंदे की टकले की टकल टीटा कर देता। अब टकले वाला बंदा वहां पर बोलता है यार क्या बंदा था आसमान के ऊपर से उतरा और मार के भाई पूरा लुटिया डुबा दिया मेरा। अब भाई यार यहां पर आप लोग मेरे को बोल रहे होंगे कि भाई क्या फालतू की बकबक कर रहा है यार, गेम प्ले दिखाओ ना। और मेरे को लग रहा है कि आप लोग बोर भी हो जा रहे हो, तो यार इसके लिए सॉरी अगर आप लोग को मैं ज्यादा बोर कर दे रहा हूं। तो चलो यार आप लोग को मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, अब से आपको भयानक भयंकर गेम प्ले देखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो कि मैं छत के ऊपर आ चुका हूं और कैमरा मैन फोकस कीजिए। और एक बात मैं 16 लाख दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि देखो यार आप सोलो खेल रहे हो तो छत के ऊपर जरूर चढ़ो और ज्यादा से ज्यादा हाइट बनाओ। इससे क्या होता है देखो कि आप लोग को बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है जिससे आप अपोजिट सामने वाले बंदे को इजीली आराम से किल कर सकते हो। यहाँ पर एक बात और बोलूंगा कि हो सके तो भाई अपने गन पे आप साइलेंसर लगा लो, मैं तो यहाँ पर नहीं लगाया हूँ। तो यार यहाँ पर मैं आप लोग को फिर से बोर कर दे रहा हूँ, तो इसके लिए दिल से सॉरी। और एक बात कैमरामैन फोकस कीजिए, यहाँ पर देखिए कितना खतरनाक हेडशॉट शानदार तरीके से मैंने इसको मारा। यहाँ पर चलो मेरे को एक और बंदा दिखाई दे, तो इसको यहाँ पर देखो कि एक ही गोली मारा और बंदा खत्म। शायद लग रहा है किसी ने इसको मारा या फिर जोन से बंदा आ रहा था डैमेज होकर। यहाँ पर देखो कि भाई मैंने बातों बातों में 7 किल कर दिया और अभी 12 बंदे अलाइव है और मेरे को एक बंदा घर के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पर मारेंगे। चलो बंदा यहाँ पर काफी डैमेज, इसको लॉन्चर से मारने का प्रयास करेंगे। फाइनली इस वाले बंदे को ग्रोजा से मार के फिनिश कर दिया। अब चलो यार यहाँ पर हम पीछे देखते हैं, शायद कोई बंदा जोन से आता होगा। तो यहाँ पर तो कोई बंदा मेरे को आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, शायद इस साइड से कोई बंदा आता हुआ दिखाई दे। इस साइड भी कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर देखो छत के ऊपर एक बंदा है। चलो इसको मैंने ग्रोजा से पूरा भर दिया। यहाँ पर देखो तो भाई मैंने 9 किल कर लिया और अभी 10 बंदे ही अलाइव है। भाई देखो तो यार 9 बंदे अलाइव है और मेरे को एक भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ छुप के बैठे हैं। लेकिन चलो यहाँ पर एक बंदा मेरे को दिखाई दिया। फाइनली यहाँ पर मैंने इसको मार दिया और अभी 7 बंदे अलाइव हैं, शायद मेरे को लग रहा है इस वाले घर में हैं। तो चलो यार मेरे को नीचे जंप करने पड़ेगा क्योंकि यार जोन भी श्रिंक हो रहा है और यहाँ पर वही काफी हद तक डैमेज है, शायद कोई बंदा ना मार दे मेरे को यार। अब यार देखो जोन भी छोटा हो रहा है और भाई 6 बंदे अलाइव है, पता नहीं कहाँ कहाँ छुप के बैठे हैं। और भाई मेरे को तो बीच में जाना ही नहीं है, मेरे को साइड में रहना है क्योंकि यार मेरे को बुया चाहिए। और यार देखो मेरा बहुत सारा बुया बीच में जाने से ही मिस हुआ है। एक बात और कि भाई अभी के टाइम पे ऐसे बंदे सोलो खेल रहे हैं जो भाई फुल डीपीआई में रहते हैं, 800-900-1200 लगा के। जो डीपीआई लगाते हैं उनका मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि क्या बताऊं, मतलब कैली भाई फेल हो जाता है उनके सामने। और उनका एक्यूरेसी के बारे में तो मत पूछो यार, एकदम सीधा हेडशॉट मारते हैं। ऐसे बंदों के कारण भाई मैं लास्ट जोन में जाके बुया नहीं ले पाता, पता नहीं यार क्यों बंदे मरते नहीं। M10 का भाई 6-7 गोली भर देता और बंदा 2 ही गोली मेरे को मार देता है। और भाई आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप M10 का 4-5 गोली भर दो और बंदा मर नहीं रहा है, तो समझ जाओ कि भाई वो DPI यूजर है। क्योंकि यार देखो जब बंदा DPI लगाता है तो उनका एक्यूरेसी हाई हो जाता है और आपका एक्यूरेसी उस पे एकदम लो हो जाता है। तो चलो यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई दिया और भाई इसको मैं ग्रोजा पूरा भर दिया, इसका सोनी एक्टिवेट, लेकिन फाइनली बंदा हो चुका है फिनिश। यहाँ पर तो मेरे को डाउट हो रहा है कि भाई इस वाले घर में एक बंदा है, तो चलो अंदर जाके देखते हैं बंदा कहाँ पर है। क्योंकि यार ऐसे बंदे ही मतलब छुप के रहते हैं और एकदम पीछे से मारते हैं। देखो यहाँ पर बंदा है, इसको मैंने ट्रोगन का डैमेज किया हूँ। चलो यहाँ पर मैं इस बंदे पे ग्रेनेड कुक करके डालूंगा, शायद बंदा ग्रेनेड से मर जाए। लेकिन भाई यहाँ पर बंदा भागा, मेरे को लग रहा है बंदा पीछे से आएगा, तो मेरे को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। चाहे वो भाई पीछे से आया और इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब यार देखो एक ही बंदा बचे है और यहाँ पर मेरा 12 किल हो चुका है और जोन भी श्रिंक हो रहा है, तो मेरे को जोन की तरफ जाना पड़ेगा। एक बात और कि भाई जो लास्ट में बचता है वो बंदा बहुत तगड़ा होता है, तो उससे थोड़ा संभल के ही फाइट करना। क्योंकि यार बोला जाए तो ऐसे बंदे बहुत ही खतरनाक होते हैं, एकदम सीधा हेड मारते हैं और भाई खतरनाक ट्रैक करते हैं। बंदा तो यहाँ पर मेरे को दिख चुका है, इसको मैंने अच्छा खासा डैमेज भी किया और भाई शायद बंदा मेडिकेट मार रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा हम भी मेडिकेट मारेंगे। लेकिन मेडिकेट मारने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पर पहले तो बंदे का दुगलुगल तोड़ेंगे। अब चलो भाई बंदा घर के साइड चला गया है, मेरे को लग रहा है खिड़की से आया गया या फिर उसी साइड से आएगा, देखते हैं बंदा किस साइड से आएगा। लेकिन यार बोलूं तो बंदा बहुत तगड़ा है, इसको तो भाई मैं पहले ग्रेनेड से डैमेज करने का प्रयास करूंगा। ऐसे बंदों की तो बात ही जुदा होता है यार, मतलब शॉट में आ गए तो आपका सीधा खोपड़ा ही फोड़ देंगे। तो यार यहाँ पर तो मैं इस बंदे से लॉन्ग रेंज के ही फाइट करने का ट्राई करूंगा। बंदा तो देखो यार एकदम शॉट में घुस रहा है और इसके पास MP40 है, तो मेरे को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि इसको देखो एकदम लॉन्ग रेंज बना रहा है। अब लग रहा है शायद बंदा रश करेगा। चलो यहाँ पर बंदा डाउन, इसको हम फिनिश करेंगे। चलो फाइनली हो चुका है मेरा बुया, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेल नेयर, टेक केयर, बाय बाय इंग्लिश में बाय।